2024 के चुनावों के लिए बीजेपी ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी भूमिका है और ये लाजमी भी है। प्रधानमंत्री इस साल के खत्म होने तक 100 रैलियां देश भर में करेंगे। जिन क्षेत्रों पर खास फोकस बीजेपी का है प्रधानमंत्री की इन रैलियों के लिए, वो दक्षिण भारत के राज्य है, वो ओडिशा है और साथ ही पश्चिम बंगाल है। 160 कंस्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जहां पर इंटेंस कैंपेन, भीषण कैंपेन किए जाएंगे। मैं फिर एक बार देश भर के लाखों कार्यकर्ताओं को, पांच पांच पीढ़ी की तपस्या को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने साल की शुरुआत में ही चुनावी रण का उद्घोष कर दिया। कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक पार्टी की हर इकाई को जागृत करने का आह्वान किया और खींच दी वो लकीरें जो पार्टी के चुनावी ब्लूप्रिंट से जुड़ गई। साथियों, भाजपा के विजय अभियान में जो हमारी त्रिवेणी की तीसरी शक्ति है, शिव जी के भी कहते हैं ना, तीसरा नेत्र सबसे सामर्थ्यवान माना जाता है, ये हमारी जो तीसरी शक्ति है, वो तीसरी शक्ति हमारे भाजपा के कार्यकर्ता है और मैं उनको बार बार नमन करता हूं। तय ये हुआ है कि जब अब तक के कई चुनावों से ये साबित हो चुका कि मोदी हैं तो सब मुमकिन है, तो 2024 के महारण की विधिवत घोषणा तक प्रधानमंत्री मोदी की कम से कम 100 रैलियां देश भर में आयोजित की जाएंगी। बीजेपी ने लगभग 160 ऐसी लोकसभा सीटें चिन्हित की हैं जहां बीजेपी का प्रदर्शन जीत नहीं दिला सका। उन सीटों को चार चार लोकसभा सीटों वाले क्लस्टर में बांटा गया है। प्रधानमंत्री की अधिकतर रैलियां इन्हीं क्लस्टर्स में व्यवस्थित रूप से आयोजित की जाएंगी। मोदी मैजिक के सहारे करीब 45 से 55 रैलियों के जरिए इन क्षेत्रों में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ताकत झोंकेगी। नरेंद्र मोदी जी सरकार 2024 में बनाएंगे, तो ये बनाएंगे, ये जनता बोल रही है, तो किस आधार पर बोल रही है कि जो 9.5 साल में, 9 साल में मोदी जी ने किया है, जनता को दिख रहा है कि एक प्रधानमंत्री एक घंटे की छुट्टी नहीं लेता, जो अपनी माता जी के देहांत पर भी घर पे नहीं बैठते, ऐसा प्रधानमंत्री जो तपस्वी के रूप में काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है, तो उससे सारी पार्टी प्रेरणा लेती है और उस प्रेरणा से काम करती है। जिन्हें 160 सीटों पर बीजेपी मेगा प्लानिंग कर रही है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, वहां पहले 80 सीटों पर खुद अमित शाह और बाकी 80 पर जेपी नड्डा जनसभाएं करके माहौल बनाएंगे। चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, हर क्षेत्र के अंदर हमने प्रयास किया। प्रधानमंत्री मोदी उसके बाद वहां जाकर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए रैलियां और जनसभाएं करेंगे। 365 दिन आपका ये काम चलता रहता है? हाँ, पार्टी 365 दिन काम करती है और 365 दिन नहीं, 365 दिन व रात काम करती है, काम करती है। पार्टी का नेतृत्व इतना मेहनती है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता के लिए मार्गदर्शन के रूप में है कि रात को 2 बजे भी प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, गृह मंत्री जी रात को 1:30-2 बजे फोन करते हैं, नड्डा जी का 1:30-2 बजे फोन आता है, राष्ट्रीय संगठन मंत्री काम कर रहे हैं, एक ऐसा माहौल है कि समझ लीजिए काम ही हमारा सबसे बड़ा आधार है। चुनावों की घोषणा तक इन 160 सीटों पर प्रचार और प्रहार की कवायद पूरी हो जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का सारा फोकस देश की बाकी लोकसभा सीटों पर रहेगा। बीजेपी चुनावी अभियान में प्रथम चरण से आगे की ओर बढ़ चली है। दूसरी तरफ अप्रत्याशित चुनौतियों ने विपक्ष की सूरत बदल दी। भ्रष्टाचार के आरोपों और जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर पूरे भारत में विपक्ष का सुर फिलहाल एक सुनाई दे रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर तेलंगाना के सीएम की बेटी भूख हड़ताल पर बैठी, तो आम आदमी पार्टी, टीएमसी, टीडीपी, जेडीयू, एनसीपी, सीपीआई, आरएलडी, एनसी और समाजवादी पार्टी समेत 17 दल एक साथ आए।
विपक्ष की तैयारियों में बयानबाजियां हैं और उन बयानबाजियों में भी एक दूसरे के साथ हितों के टकराने का विरोध भी। कांग्रेस चुनाव बाद पीएम पर मंथन के लिए आह्वान करती है तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पीएम पद की उम्मीदवारी सामने रखकर ही गठबंधन की डील करना चाहती है। टीएमसी कभी विपक्ष का नेतृत्व लेकर निकली थी, अब उसे कांग्रेस नहीं कबूल। ऐसी स्थिति में दावे ही दावे हैं। They will not get majority. The all other parties together, of course, Congress will lead. We will get the majority. We will follow the constitution. We will follow the democracy. Let 100 Modi's of Shah come. बीजेपी के लिए आदर्श स्थिति है विपक्ष का बिखराव और टकराव, लेकिन विपक्ष की परिस्थितियों से परे उसे अपनी रणनीतियों में जनता से संवाद करना है और अपने प्रति विश्वास जगाना है।